हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी जितने भी इलेक्ट्रीशियन भाई है, जो भी मोटर वाइंडिंग करते हैं, कोई भी मोटर हो, पंप हो, टुलू पंप हो, पंखा हो, तो उसमें से जो वायर निकल के आती है उसका जो वायर का नंबर है SWG, वो कैसे पता करते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्रू गेज माइक्रोमीटर की मदद से। तो वीडियो दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो ये देखिए हमारा स्क्रू गेज माइक्रोमीटर का बॉक्स, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने अगले वीडियो में बनाया था। अगर आपने अभी तक उस अनबॉक्सिंग वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर जरूर देख लेना। और आपके पास दोस्तों ये जो माइक्रोमीटर अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको आप परचेस कर सकते हो अमेजोन से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर इसको परचेस कर लेना। तो सबसे पहले आपको जो चाहिए दोस्तों ये स्क्रू गेज माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, और एक नॉलेज की बात बता दूँ दोस्तों, अगले वीडियो में एक भाई ने पूछा था कि ये जो चीज़ है ये किस काम के लिए है। इसको देखिए दोस्तों, बोला जाता है सेस पनार, तो ये बहुत ही काम का दोस्तों टूल है। तो आप आज को मैं आपको बता देता हूँ कि किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो स्क्रू गेज माइक्रोमीटर में एक चीज़ दिखाई देगी जो होती है ज़ीरो, और ये ज़ीरो जो है दोस्तों हमारा बेस लाइन के साथ अटैच होना चाहिए बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होती है, अगर ज़्यादा दिन इसका यूज़ हो जाती है तो ये ज़ीरो जो है इरर हो जाती है। इरर मतलब ये ज़्यादा इस साइड हो जाती है या फिर ये ज़्यादा पीछे की साइड हो जाती है, मतलब ये दोस्तों हमारा बेस लाइन के साथ जो है ठीक से अटैच नहीं हो पाती है। तो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों हमारा दोस्तों ये जो टूल है ना सी स्पिनर, उसको दोस्तों काम में लिया जाता है इसको बिल्कुल सीधा रखने के लिए। तो इसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आपको एक होल दिखाई देगी, देखिए तो इस होल के साथ दोस्तों ये जो टूल्स है ये हमारा काम आएगी। देखिए किस तरह से इसका जो देखिए यहाँ पे लॉक है, तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए आपको जिस साइड इरर आ रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए आप इसको दोस्तों इस तरह से प्रेशर लगा के घुमाएंगे तो ये घूम जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरह से घुमाएंगे आपका, इस तरह से अगर ज़रूरत है तो, अगर इस तरह से ज़रूरत है तो आप नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये घूम जाएगी। तो इस तरह से आप ज़ीरो को दोस्तों बेस लाइन के साथ अच्छे से अटैच कर सकते हो, तो इससे आपका जो ज़ीरो एरर है वो सॉल्यूशन हो जाएगा प्रॉब्लम का। तो इसलिए दोस्तों ये स्पिनर काम में लिया जाता है। तो आई होप को दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, आपका जो है आंसर भी मिल गया। अब देखिए सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, इसकी हर एक पार्ट्स के बारे में। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा मेटल का ही है ना, इसको बोला जाता है दोस्तों फ्रेम, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको बोला जाता है एनविल, और यहाँ से ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हो इसको बोला जाता है स्पेंडल, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसको बोला जाता है लॉक, इससे हम लॉक कर सकते हैं, बाद में इसका यूज़ आपको बताएंगे। तो ये देखिए ये जो लंबा लोहा देख रहे हो उसको मूवमेंट रुकने के लिए लॉक यूज़ किया जाता है, और इसको देखिए आप जो देख रहे हो इसको बोलता है स्लिप, और इसके ऊपर जो है आप देख सकते हो तो लाइन, इसको बोला जाता है इसका मेन स्केल, ये यहाँ पे जो स्केल इसका जो लंबा दाग है उसको बोला जाता है बेस लाइन, और ये जो देख रहे हो इस पार्ट्स को बोला जाता है इसको बोला जाता है थिम बेल, ठीक है। और इस थिम बेल के ऊपर दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हो इसके बोला जाता है सर्कुलर स्केल, इस यहाँ पे यहाँ तक ये हो जाए सर्कुलर स्केल। उसके बाद आप दोस्तों थिम बेल के ऊपर ही देखेंगे ये जो यहाँ पर कुछ बनाया हुआ है इसको बोला जाता है दोस्तों नर लाइन। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसको बोला जाता है रैचेट। तो ये हो गया दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। चलिए अब इसका हम यूज़ जानेंगे। तो देखिए ये जो 0 से लेकर 25 mm हम देख रहे हो, तो इतना ही चीज़ दोस्तों इसका मेजरमेंट हो सकती है इस SWG माइक्रोमीटर की मदद से। इसको हम इस तरह से अगर ओपन करते हैं तो आपको दिखा देता है, देखिए कितने तक जाती है। तो 0 से लेकर 25 mm तक दोस्तों कोई भी चीज़ ये मेजरमेंट कर देगी, आप देख सकते हो 25 mm आके ये रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके बीच में आप इतनी चीज़ रखोगे 25 mm तक ये दोस्तों मेजरमेंट कर देगी। और ये जो 0.01 mm देख रहे दोस्तों ये होती है इसका लिस्ट काउंट, यानी कम से कम ये दोस्तों इतनी भारी की दोस्तों मेजरमेंट कर सकते हैं, और यही इसका लिस्ट काउंट स्केल है 0.01 mm तक ये मेजरमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ सब ध्यान रखिए, ये जो टूल आप यूज़ करने के बाद दोस्तों इस वजह से इसको फेंक देना मतलब जोर से नीचे की तरफ फेंकना नहीं है, ठीक है। और इधर उधर कहीं पे भी हीट नहीं करना है,
नहीं तो ये जो इसका स्केल वगैरह है वो ख़राब हो सकती है। तो इसे बहुत ही दोस्तों केयरफुल तरीके से यूज़ करना है और इस बॉक्स के अंदर ही इसको रख देना है और इसके ऊपर कोई भी वाटर वगैरह बिल्कुल भी छिड़कना नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम गेज करना सीख लेते हैं किस तरह से हम इसे रीडिंग करेंगे। उसके बाद आपको हर एक वायर का दोस्तों गेज निकाल के भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसका स्केल को पढ़ना आना चाहिए, तो वही हम अच्छे से आपको सिखाने वाले हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको सिखाने के लिए, आई होप कि आपको समझ में आएगी। तो चलिए कुछ बातें यहाँ पे बोलते हैं आपको। जैसे कि देखिए ये जो लाइन वगैरह है, जैसे कि पहले बताया ये हमारा मेन स्केल है, इसको मेन स्केल बोला जाता है, और ये जो घूमता है ये सर्कुलर स्केल है। तो इस दोनों को ही सबसे पहले आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छे से आप काउंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इस दो स्केल को पढ़ना सीखेंगे। तो आपको दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं आपको सीधा सीधा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो आप यहाँ पे लंबा सा ये दाग दिख रहे हो यहाँ पे, इसको दोस्तों बॉटम लाइन या बेस लाइन बुला जाती है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे ये जो लाइन खींचा गया है, इसमें से जो लाइन इस बॉटम लाइन के साथ सीधा होके दोस्तों अटैच हो जाएगी, तो उसी से दोस्तों इसका काउंटिंग होती है, ठीक है। उसको ही हम दोस्तों डिजिट मानते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें जो मेन स्केल के यहाँ पे जो बेस लाइन दिखाई देती है, तो उसके ऊपर आपको ये देखिए कुछ लाइन दिखाई देगी। ये देखिए एक दो तीन दोस्तों, ये जो हर एक लाइन दोस्तों एक एक mm का दोस्तों ये जो है लाइन है, जीरो से लेके यहाँ से डिस्टेंस है एक mm हो गया, दो mm, तीन mm, चार mm और ये 5 mm। तो 5 mm के डिस्टेंस में दोस्तों ये बड़े बड़े जो एक करके दोस्तों लाइन खींचा गया है, आप देख सकते हो 5 के बाद 10, यानी दोस्तों इसका हर एक छोटे छोटे लाइन दोस्तों जो है वो 1 mm का आपको जो है इसको रीडिंग करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे दोस्तों 0 से लेके जो है टोटल 25 mm तक जो है इसका लाइन दिखाई देगी। इस तरह से जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे स्केल में लिखा है 0 से लेके 25 mm, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट इसका 25 mm तक आएगी, यानी 25 mm का आप किसी भी आपको चीज़ दो इसमें मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा मेन लाइन जो मेन स्केल का जो है, ये सबसे पहले इसको ही पढ़ना होती है ऊपर के लाइन को, ठीक है। वो हर एक लाइन 1 mm का है ये वाला, इसको दोस्तों जो 1 mm आपको दोस्तों जो है मानना पड़ेगा। उसके बाद इसके नीचे अगर देखेंगे दोस्तों, तो एक 1 mm का बीचों बीच दोस्तों आपको जो है ये हर एक छोटे छोटे लाइन दिखाई देगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे तो देखिए 0 से लेकर 1 mm के बीच में बिल्कुल मिडिल बराबर ये लाइन खींचा गया है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 0.5 mm, यानी 0.5 mm, ठीक है। 0.5 mm का दोस्तों ये हमारा हर एक लाइन है नीचे वाला, यानी 0.5 mm का। तो ये हो गया 0.5 mm का लाइन, और ऊपर वाला है दोस्तों हमारा फुल 1 mm का, ठीक है जी। तो ऐसे ही इसको रीडिंग करना होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप इसको देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखिए मान लो कि जैसे कि हम इसको घुमाते हैं रैचेट को इस तरह से, तो हम उल्टा नहीं सीधा घुमाते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 0 के बाद हम इस तरह से घुमाते हैं सीधे तरफ क्लॉक वाइज। घुमाने के बाद मान लो कोई भी लाइन अगर यहाँ पर दोस्तों देखिए आ गया, हमें सबसे पहले ऊपर की लाइन देखना है जो 1 mm का है। तो ऊपर में हमको 1 mm दिख रहा है और नीचे 1.5 mm का दोस्तों देखिए पूरा पूरी नहीं दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन उसको पूरा जब देखेंगे तभी काउंट में लेंगे। तो ये यहाँ पे सिर्फ उसको ऊपर की 1 mm ही जो है लेना है। अब और थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ लेते हैं, आप देखेंगे, आप देखिए ऊपर में हमारा 1 mm पूरा दिख रहा है, और देखिए ऊपर में तरफ, और नीचे जो है 0.5 mm भी अब दिख रहा है। तो अब इसको आप काउंट में ले सकते हो 0.5 mm को, लेकिन वो जो अगर पूरा नहीं देखता है तो उसको नहीं लेना है, सिर्फ ऊपर की जो है 1 mm जो है उसको ही लेना है। इस तरह से आप जो मेन स्केल काउंट करेंगे। अब आइए हम सर्कुलर स्केल को आपको रीडिंग करना दिखाते हैं किस तरह से रीडिंग करेंगे। इसको जो है घुमाते हैं तो देखिए मान लो इस तरह से घुमाने के बाद कोई चीज़ हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो किसी एक लाइन के साथ दोस्तों ये आके जो है रुक गया और नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए, नीचे से इसको काउंट करते जाएंगे। नीचे सबसे जो बड़ा लाइन है उसको पकड़ेंगे सबसे पहले सर्कुलर स्केल को। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा लाइन है नीचे वाला वो है 25, देखिए ये वाला। तो ये होती है दोस्तों हमारा जो है लीस्ट काउंट।
तो इसको हम बोलेंगे 25 0.25 mm, उसके बाद 26, ये वाला हो गया, उसके बाद ये वाला ऊपर की तरफ 27, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 0.27 mm। ठीक है, तो ये होती है इसका लिस्ट काउंट, यानी सबसे कम से कम ये जो है रीडिंग है लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे इस तरह से हम पढ़ते हैं, इसके बाद हो गया 27 mm, जो दाग हमारा बेस लाइन के साथ अटैच कर रहा है वहाँ पे रुक जाना है। मान लो और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, देखिए यहाँ पे मान लो कि रुक गया हमारा रैचेट, तब इसको क्या करेंगे देखिए, अब नीचे से हम काउंट करना है, तो यहाँ पे देखेंगे 0.35 mm लिस्ट काउंट आ रहा है यहाँ पे बड़ा लाइन, उसके बाद 36 37 38 और 39, तो ये हो गया दोस्तों 0.39 mm इसका ये लिस्ट काउंट। ठीक है, इस तरह से जो है सर्कुलर स्क्वायर को पढ़ना होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों स्क्वायर किस तरह से रीडिंग कहती है। तो आइए और एक एग्जांपल आपको देते हैं, इसको मेजरमेंट करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम मूरा सेट को घुमाएंगे, और घुमाने के बाद जब यह टाइट हो जाएगी दोस्तों, तो एक आपको साउंड सुना है, देखिए कट कट करके साउंड आएगी, इसका मतलब ये और नहीं जाने वाला। ठीक है, तो आपको ज़बरदस्ती इसको घुमाना नहीं है, छोड़ देना है, जब ये नहीं जाएगी तो छोड़ देना है, और इसको भी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। ठीक है, इसमें हाथ ही नहीं देना है, नहीं तो आपका जो मेजरमेंट है वो बिगड़ जाएगी। तो रैचेट को घुमाने के बाद छोड़ देना है, जब ठीक ठीक शब्द कर गई आवाज़ करेगी। अब रीडिंग हम कर दे, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मेन स्केल जो है उसको पढ़ना पड़ती है। तो हम ऊपर में देखेंगे तो जीरो के बाद दोस्तों एक लाइन हमको दिखाई दे रहा है, मतलब एक mm तो यह पूरा चल चुकी है ऊपर की तरफ। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको नीचे में भी एक छोटा सा दाग दिखाई देगी, देखिए आधा mm का। तो ये हो गया दोस्तों 0.5 mm का ये जो है लाइन, तो एक mm पूरा हो उसके बाद आधा mm भी ये चला गया, तो ये हो गया दोस्तों 1.5 mm का। उसके बाद हम दोस्तों देखिए सर्कुलर स्क्वायर पढ़ेंगे, तो सर्कुलर स्क्वायर में देखिए जीरो के बाद एक लाइन गया है, यानी एक mm 0.1 mm हो गया ये। तो इस दोनों का अभी हमको एक साथ जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद जो आएगा दोस्तों 1.6 mm, इसका ये फुल मेजरमेंट हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, देखिए किसी भी वायर का SW निकालने के लिए उसके ऊपर जो परत चढ़ रही होती है इंसुलेशन का, वो कवर निकालना बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए दोस्तों इसको आप कोई भी नाइफ़ या किसी से घिस के बिल्कुल भी नहीं निकालना, इसके लिए एक ही उपाय है, इसको आप दोस्तों जो आग से थोड़ा सा जला लेना। तो देखिए हम इस सभी को थोड़ा सा इस तरह से रिंग बनाएंगे, गोल गोल बना लेंगे, ताकि एक साथ यहाँ पर लिपट कर रहे और आग से अच्छे से ये इसका इंसुलेशन जो है निकल जाए। तो आप इसको सभी वायर को निकालेंगे इंसुलेशन इसका, तो यहाँ पे चलिए हम इसमें थोड़ा सा आग यहाँ पे लगा देते हैं। और इन सभी वायर को अच्छे से जो है जला लेना है, ताकि इसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई है वो निकल जाए। अगर बिना इंसुलेशन निकाले आप SW जो निकालेंगे, तो उससे दोस्तों जिससे 100% से ही जो है आपका जो रिज़ल्ट नहीं निकल के आएगी। और इस तरह से इसका कवर का जला के अगर आप जो है SW निकालेंगे, तो वो बिल्कुल 100% सही जो है निकल के आएगी। और जो पतली वायर होती है दोस्तों, उसको थोड़ा सा हिट देना, नहीं तो वो पिघल जाएगी। और जो आपको यहाँ पे देखिए जो एलुमिनियम या फिर सिल्वर वगैरह बोल सकते हो, उसको भी थोड़ा सा हिट देना है, अगर ज़्यादा हिट देंगे तो वो पिघल जाएगी। तो ये भी ध्यान रखनी है किस वायर को कितना हिट देना है, और सभी इस तरह से जो है हम इसका इंसुलेशन निकाल देंगे। आप जो PVC वायर होती है उसको कटिंग प्लायर की मदद से दोस्तों इस तरह से इसका PVC को कवर इस तरह से निकाल देंगे, और अच्छे से देखेंगे इसके ऊपर भी एक दोस्तों जो पॉलीथीन लगाई होती है नीचे, तो आपको देख लेना है एक बार वो है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो दिखाई भी नहीं देती है, इतना पतली होती है। उसको भी निकालना है अच्छे से, अब इसका भी हम इसको कवर जो है निकाल देते हैं। और वायर को दोस्तों जो है इसमें भाँज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा आपका वायर का रखना है, अगर भाँज रहेगी तो हमारा जो माइक्रोमीटर है वो अच्छे से इसको दबा नहीं पाएगी, और सही जो इसका जो है डाटा निकल के नहीं आएगी। तो वायर को इस तरह से क्लीन भी कर लीजिए, जो भी इंसुलेशन इसमें था वो अच्छे से निकल जाएगी। और बार बार घिसना नहीं है, सिर्फ दो या एक बार घिसना है। We'll be right back.
तो आइए दोस्तों, अब इन सभी वायर का SWG गेज हम आपको निकाल के दिखाएंगे और आप भी समझ जाओगे कि किस तरह से हम जो है आसानी से SWG निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो मोटा वाला वायर है यहाँ पे, इसको ही हम निकालने वाले हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इसको हम जीरो पे इसको सेट करेंगे बेस लाइन के साथ। ये बिल्कुल सही तरह से सेट है कि वो एक बार देख लेना है। उसके बाद इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमा के जो है ओपन कर लेंगे हम कुछ इस तरह से, और इसको जो वायर के बिल्कुल मिडिल बराबर लगाना है। और इसके बाद इस जो है रैचेट को इस तरह से घुमा के दोस्तों टाइट कर देना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। और आप देखेंगे जो है, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, रिचेट जब जो फुल टाइट हो जाएगी तो एक कट कट करके सब आवाज़ करेगी, उसके बाद नहीं जाएगी। तो ये जो ऊपर वाला ये वाला जो है, इसको नहीं घुमाना है दोस्तों, रैचेट को ही घुमाना है। उसके बाद इस तरह से लॉक कर देना है इसको। अब देखिए, हम जो है स्केल पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको जो है मेन स्केल पढ़ना होगा, रीड करना होगा। तो मेन स्केल में अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए ऊपर के तरफ जो है मेन स्केल में ज़ीरो के बाद एक लाइन दिखा रहा है, इसके बाद हो गया दोस्तों एक पूरा 1 mm जो है वो हो चुकी है। अब नीचे आप देखेंगे एक आधा 1 mm का है और एक दाग दोस्तों जो फुल नहीं दिख रहा है। अगर फुल ये दिख जाता तो इसको हम जो है 0.5 mm जो है मान लेते, लेकिन ये फुल दोस्तों नहीं दिख रहा है इसलिए उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मेन स्केल में हमने पाया है 1 mm हमने मेन स्केल में इसका रीडिंग पा लिया। चलिए अब इसको हम जो है एक नोट में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे 1.0 mm, कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये देखिए हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया, मेन स्केल को जो है रीडिंग किया है। आप देखिए, हम सर्कुलर स्केल को दोस्तों रीडिंग करेंगे। तो सर्कुलर स्केल में आप देखेंगे नीचे से आपको काउंट करना है। सबसे जो बड़ा लाइन है नीचे में यहाँ पे देखिए, तो जो वो आती है 40 का 0.40, उसकी देखिए। उसके बाद आएगी दोस्तों 41, देखिए 40 और 41। तो 41 जो है दोस्तों बेस लाइन का बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल सीधा तो नहीं है लेकिन बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। तो उसको ही हमको जो है लेना है, उसकी उस पर जो लाइन है उसको नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल जो इस साइड है नीचे में साइड, इस लाइन को ही लेना है 40 और 41। तो ये हो गया दोस्तों हमारा जो है सबसे लीस्ट काउंट इसका 0.41। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.41 mm। अब इस दोनों को दोस्तों हम एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी। जोड़ने के बाद देखिए, 1 के हम 1 यहाँ नीचे लिख देंगे और 404 हो जाएगी, यानी यहाँ पे ये पॉइंट, उसके बाद 101। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों इसका जो है साइज, हो गया 1.41 mm। अब इसको हम देखिए इस तरह से इसका गेज निकालेंगे। तो इसके लिए चाहिए आपको इस तरह एक चार्ट चाहिए। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये है डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसको हम शॉर्ट में SWG बोलते हैं। तो ये चार्ट दोस्तों आपको जो है लेना होगा। आप चाहो तो जो है नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका गेज नंबर है सभी, एक 0 से लेके स्टार्ट किया। इसका SWG है जिसको इंच और mm में दोनों इसमें डिवाइड किया जाता है। आप जिसमें रीड करना चाहो रीड कर सकते हो। आप देखिए इसके बाद जो है नेक्स्ट इस साइड में देखिए 18 के बाद दोस्तों हमने इस साइड में 19 से शुरू किया है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे 37 में ये जो है ख़त्म हो गया। तो 0 से लेकर 37 तक हमने यहाँ पे जो है लिया है, इतना ही काफ़ी है जो है वायर मेजरमेंट करने के लिए। तो ये जो सा चार्ट है दोस्तों, अगर आप ये नेट से डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लेना, और नहीं तो इसको जो है मैं स्क्रीनशॉट आप ले लेना या फिर इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे जाके दोस्तों आप इसको जो है डाउनलोड कर लेना, मेरा ID से टेक्निकल काफ़ी नाम है, तो उसमें जाके आप इस चार्ट को डाउनलोड कर लेना, इंस्टाग्राम पर दे दूँगा। तो चलिए सबसे पहला हम इसका जो नंबर निकाला है वो कितना नंबर का वायर है वो देखेंगे। तो देखिए 1.41 हमको यहाँ पर जो है ढूँढना पड़ेगा कि कहाँ पे इसका जो है ये नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे ढूंढते हैं। तो देखिए इस चार्ट में अगर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, देखिए इसमें यहाँ इस लाइन पे आप देखिए 1.42 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे हमारा क्या है 1.41 निकल के आया।
तो एक नंबर इधर उधर हो सकती है दोस्तों, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है 1.4 इसको ही आपको दोस्तों जो है 1.42 इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको है दोस्तों आपको जो है मान के चलना होगा। ये देखिए आती है हमारा इसका गेज नंबर 17। तो ये हो गया दोस्तों हमारा जो है 17 नंबर का दोस्तों गेज नंबर, यानी SWG नंबर हमारा निकल के चल आ गया। इसको आप लिखेंगे हम 17 यानी 17 नंबर का वायर हमारा ये है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से देखिए हमने जो है SWG निकाल लिया, ये हो गया। तो ये जो वायर हो गया दोस्तों हमारा 17 नंबर का, तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं जो है वायर को कि कौन कितना नंबर का वायर है। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वायर आपको चेक करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट जो वायर है दोस्तों वो है सबमर्सिबल का। देखिए या V3 या V4 में इस तरह का वायर इस्तेमाल होती है, सबमर्सिबल मोटर का जो पतला वाला PVC वायर है। तो इसका दोस्तों जो है थोड़ा सा अलग तरीका है, तरीका मतलब वही है लेकिन इसको जो है मेजरमेंट में समझना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं किस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। देखिए ये जो आपको यहाँ पे जो इंसुलेशन है उसने को तो हमने निकाल दिया है, तो इसका जो SWG निकल के आती है दोस्तों जो यानी MM में उसको ही हमको मानना होगा। और अगर चार्ट में इसको ढूंढेंगे तो चार्ट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो इंडक्शन वायर है ये वाला देख सकते हो लाल वाला, उसके लिए चार्ट का जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका जितना पतला होगी दोस्तों उतना इसका नंबर ज़्यादा होगी, और सबमर्सिबल का जो वायर PVC वायर है जितना इसका नंबर ज़्यादा होगी इतना ही मोटा होगी। तो ये आपको जो है ध्यान रखनी है। तो इसको हम यहाँ पे 0 पे फिर सेट कर लेते हैं। देखिए सेट करने के बाद फिर से इसको ओपन करेंगे और इसका जो है SWG निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से वायर को हम माइक्रोमीटर के बिल्कुल बीचों बीच दोनों एनविल और स्पेंडल के बीचों बीच रखेंगे, साइड में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिडिल बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रैचेट को इस तरह से घुमाना है। घुमाते समय आप एक ये नोट चीज़ नोटिस करेंगे, जब ये टाइट हो जाएगी तो कट कट करके दोस्तों एक आवाज़ निकल के आएगी, तब दोस्तों इसको जो है छोड़ देना है, इसका मतलब ये वायर नहीं जाएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं घुमाना है, नहीं तो इसका जो है रीडिंग जो है वो बेकार हो जाएगी। चलिए हम स्केल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे पहले हमको जो है मेन स्केल पढ़ना है, तो मेन स्केल के ऊपर में अगर देखेंगे आप 1 mm के, तो 1 mm में सिर्फ 0 ही लाइन दिख रहा है, मतलब 1 mm नहीं हुआ बिल्कुल आप देख सकते हो, लेकिन इसके नीचे जो है दोस्तों ये 0.5 mm का एक लाइन हमको दिखा रहा है। तो ये हो गया दोस्तों 0.5 mm का ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेते हैं। देखिए लिख लिया 0.5 mm, यहाँ पे हमने इसको नोट कर लिया। अब जो है हम सर्कुलर स्केल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, तो सर्कुलर स्केल में आप देखेंगे तो नीचे से तो आपको देखेंगे डायरेक्टली ये दोस्तों जो 10 नंबर है वो बेस नंबर के साथ बिल्कुल सीधा है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे अटैच हो चुकी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.10 mm। अब इस दोनों डिजिट को दोस्तों हम जो एक साथ जोड़ देंगे, तो 0 हो गया, 5.16 हो गया, और यहाँ पे पॉइंट लिखने के बाद 0.0 हो गया। तो ये जो दोस्तों हमारा निकल के आया गया 0.60 mm। तो इसके लिए दोस्तों इसके हमको जो है चार्ट का कोई ज़रूरत नहीं होती है SWG के लिए, क्योंकि इसका जो ये कैलकुलेशन निकल कर आएगी इसी को हमको दोस्तों गेज नंबर मान लेना होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों आप देखिए 0.610 लिखा हुआ है, तो वो लास्ट में जो 0 इसको कैंसिल कर देना है, सिर्फ 60 ही लेना है। तो यहाँ पर 60 है आप देख सकते हो, और यहाँ पर 61 है, तो कोई बात नहीं इसको ही मानना पड़ेगा। तो यही इसका दोस्तों SWG है जो PVC वायर होती है। इसको अगर आप देखेंगे इंडक्शन वायर के साथ मिलाएंगे तो वो निकल के आएगी 23 का। देखिए अगर ये इंडक्शन वायर होती तो ये होती हमारा 23 का SWG, लेकिन अगर ये PVC वायर होगी तो इसका जो MM निकल के आएगी दोस्तों इसी को हमको मानना पड़ेगा कि यही इसका नंबर है। तो इसको बोलना पड़ेगा हमको दोस्तों 0.6 SWG इसका, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 0.6, लास्ट का 0 इसको जो है कैंसिल कर देना है, सिर्फ लिखना है 0.6। तो उसके बाद देखिए ये जो मोटा सबमर्सिबल का वायर है PVC वायर, इसको हम निकल कर आपको दिखाते हैं। तो इसको भी फिर से हम 0 पे सेट करेंगे, और 0 पे सेट करने के बाद क्लोज करके ओपन कर लेते हैं इस तरह से, और फिर मेजरमेंट करेंगे। इसको हम देखिए टुकड़ा करके काट लिया, क्योंकि अगर ये
लंबा होती, थोड़ा सा दबाव बना रहती है, तो सही तरह से डब्ल्यू नहीं निकल के आती है। इसलिए वायर को दोस्तों इस तरह से लूज करके ही एस डब्ल्यू निकलना चाहिए और इसको मिडिल बराबर रखना चाहिए स्पिंडल और एनविल के बीचों बीच। अब रैचेट को यहाँ पे हम घुमाएंगे तो देखिए ये और नहीं जा रहा है। अब चलिए हम स्केल भरेंगे। इस सबसे पहले इसको लॉक कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर स्केल में आप देखेंगे दोस्तों ऊपर की तरफ तो ज़ीरो के बाद हमको दोस्तों एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, तो वो हो गया दोस्तों पूरा 1 mm का, ठीक है। और नीचे अगर देखेंगे दोस्तों आप तो जो 0.5 mm का एक लाइन है वो पूरा नहीं निकल के आया है अभी तक, तो उसको नहीं लेना है। अगर पूरा निकल के आती तो हम उसको 0.5 mm मान लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे दोस्तों 1 mm लिखना पड़ेगा, 1.0 mm ये हो गया। अब दोस्तों हम सर्कुलर स्केल में देखेंगे तो सर्कुलर स्केल में देखेंगे दोस्तों 40 जो लाइन है वो बेस लाइन के बराबर बिल्कुल देखिए मैच हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो है 0.40 mm, ये इसका लिस्ट काउंट है, तो ये लिखना पड़ेगा, ये देखिए। उसके बाद इस दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हो गया जाए 00404, फिर पॉइंट हम यहाँ पे उसके बाद 101 ये हो गया। तो ये दोस्तों जो इसका एस डब्ल्यू निकल के आया है वो 1.40 mm, तो हम इसको दोस्तों लिख सकते हैं 1.4 SWG या फिर 1.4 नंबर का ये वायर है, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अगर दुकान में आप ख़रीदने जाओगे तो आपको बोलना पड़ेगा 1.4 SWG का जो है नंबर का वायर दीजिए, ठीक है, तो वो आपको दोस्तों दे देगा। तो हम इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 1.4, ये हमारा गेज नंबर है, ठीक है। लास्ट का 0 हम कैंसिल कर देंगे। अब इस 1.4 का चार्ट में देखेंगे दोस्तों आपको, अगर इंडक्शन वायर होती है, इंडक्शन मोटर का वायर होती है, तो वो उसका जो नंबर वो अलग होती है, ठीक है, क्योंकि ये जितना इसका नंबर बढ़ेगी सबमर्सिबल का उतना ही मोटा होता जाएगी, लेकिन इसका जितना इंडक्शन का जो वायर है जितना दोस्तों ये नंबर बढ़ेगी उतना पतला होती जाएगी। तो देखिए 1.42 तो ये हो जाती है 17 नंबर का वायर, तो ये हमको 17 नंबर नहीं बोलना है, इसको हम 1.4 ही बोलेंगे, क्योंकि ये PVC सबमर्सिबल का वायर है इसलिए। तब देख सकते हो यहाँ पर अगर इंडक्शन होती तो हम इसको 17 नंबर बोलते, अगर ये वाला वायर लाल वाला वायर होती तो। सबमर्सिबल का वायर है, इसके लिए चार्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम जो है जान सकते हैं कि ये कितना नंबर का वायर है। अब चलिए हम यहाँ पे इस वायर को निकल कर दिखाएंगे आपको कि ये कितने नंबर का वायर है। आई होप कि दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझने के लिए आसान तरीका से, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सिंपल सा तरीका है, पहले 0 में सेट कर लीजिए, उसके बाद वायर के बीचे बीच इसको लगाइए, स्पिंडल और एनविल के बीचों बीच इस तरह से लगाना है और इसको जो है टाइट करना है, रैचेट को घुमा के टाइट करना है, ठीक है, थिंबल को बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। ये देखिए अब ये साउंड करने लगेगी कट कट का, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे और ये नहीं जा रहा है, ठीक है। हम इसका जो स्केल है उसको रीडिंग करेंगे, तो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे दोस्तों तो एक ही लाइन दिखा रहा है 0, तो अभी तक 1 mm नहीं हुआ, नीचे भी 0.5 mm जो है वो पूरी तरह से निकल के नहीं आया है, इसको भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 45 mm का 0.40 mm का जो लाइन है वो बेस लाइन के साथ डायरेक्टली मैच कर रहा है, तो सिर्फ उसी को लिखना है, ठीक है। तो ऊपर में लिख सकते हो आप 0.0 mm या फिर नहीं भी लिख सकते, कोई बात नहीं, और नीचे लिखेंगे 0.45 mm, ये इसका लिस्ट काउंट है। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो वो ही आएगी 0.45 mm, देखिए। अब इसको हम दोस्तों चार्ट में ढूंढेंगे कि ये नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमको पता चल जाएगी ये कितना नंबर वायर है। तो ये हमने चार्ट ले लिया दोस्तों, अगर यहाँ पे हम इसको ढूंढेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.457, तो 7 को कैंसिल करना है, सिर्फ 4.5 लेना है, तो 0.45 mm। तो ये आती है दोस्तों यहाँ पे देखिए 26 गेज नंबर इसका जो है निकल के आती है mm में, ठीक है। तो ये इसको लिख देंगे हम इसका SWG 26। तो देखिए बहुत आसान है दोस्तों SWG निकालना, अगर आप एक बार इसको इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी
हो जाएगी। तो यही इसका हमारा SWG हो गया, ये भी जो है बिल्कुल इसको साइड में रख देंगे, ये कंप्लीट हो चुकी है ये प्रोजेक्ट भी हमारा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, देखिए ये बहुत ही पतली वायर है, तो ये जो इंडक्शन वायर है जैसे कि आपको बताया दोस्तों, ये जितने भी पतली होगी इसका नंबर उतना ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप इसको अगर देखेंगे, देखिए हम चलिए आप इसको नाप के दिखा देते हैं, कितने भी पतली वायर है दोस्तों ये मेज़रमेंट कर लेगी। तो यहाँ पे हमको जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको रैचेट को धीरे धीरे करके घुमाएंगे और बीचों बीच आपको वायर को जो है रखना है एनविल और स्पेंडल के बीचों बीच, ठीक है, साइड में नहीं रखना है। अब देखिए ये वायर आप नहीं जा रहा है और रैचेट भी कट कट कर कर आवाज़ कर रहा है। तो आप चलिए इस स्क्रू को अगर रीडिंग करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, तो सबसे जो यहाँ पे देखिए ज़ीरो के बाद कोई भी लाइन हमको नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ज़ीरो ही लाइन है, तो उसको कोई काउंट में नहीं लेना है। तो आप दोस्तों हम ये जो सर्कुलर स्केल है उसका लिस्ट काउंट काउंट करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे नीचे जो बड़ा लाइन है उसको देखेंगे, ये देखिए 15 नंबर का जो लाइन है वो, उसके बाद 15, 16, 17, 18, ये 19। तो देखिए ये 19 पे दोस्तों यहाँ पे जो है बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है बेस लाइन के साथ। तो इसको हम दोस्तों नोट कर लेंगे 19, या फिर आप इसे 19 भी बोल सकते हो। तो 0.0 mm लिखने के बाद हम 0.19 यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए। अब इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, मैं आपको ये आसान भाषा में दिखाने के लिए इस तरह से दिखा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आप 0.19 भी लिख सकते हो। तो अब इसको हम दोस्तों ढूंढेंगे चार्ट के अंदर 0.19 कहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चार्ट में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये इसका जो MMA है, तो देखिए लास्ट में नीचे में उसके बाद ऊपर की एक घाट में यहाँ पर लिखा हुआ है 0.193, तो 3 को कैंसिल करना है, 19 ही लेना है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल निकल के आया है 19 mm, 0.19 mm। तो ए वाला कितना नंबर का वायर है हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए बिल्कुल परफेक्टली मैच हो चुकी है 0.19 mm, इसकी बिल्कुल बराबर जाना है। और कहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसका गेज नंबर 36 यानी 36 नंबर का दोस्तों ये दोस्तों वायर हमारा, इसका SWG है, नंबर है वायर का नंबर। तो आपने यहाँ पे देखा दोस्तों जितने भी इसका पतला होती है वायर इंडक्शन वायर उतना ही इसका नंबर ज़्यादा होती है, लेकिन जो सबमर्सिबल का वायर होती है PVC वायर उसका नंबर जितना ज़्यादा होगी उतना ही वो मोटा होती जाएगी, लेकिन ये वाला वायर बिल्कुल इसका उल्टा है, तो इसलिए यहाँ पर चार्ट की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया दोस्तों हम 36 नंबर का कॉपर वायर ये, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है वायर का नंबर ये निकल के ले आती है, देख सकते हो आप। चलिए अब नेक्स्ट जो वायर है लास्ट इसको हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए ये जो है एल्यूमिनियम का वायर है, सिल्वर वायर भी आप इसको बोल सकते हो, इसको भी हम दोस्तों जो है इसी माइक्रोमीटर से दोस्तों जो है इसका SWG निकाल सकते हैं। तो चलिए अब रैचेट को यहाँ पर घुमाते हैं, इस तरह से घुमाना है धीरे धीरे करके, और देखिए अब यह रुक गया है। अब यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको जो मेन स्केल है उसको सबसे पहले रीडिंग करना है। तो मेन स्केल में आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको 1 दिखाई दिखा रहा है, 0 के बाद एक लाइन दिखा रहा है, उसके बाद ये हो गया दोस्तों 1 mm, और उसके नीचे भी एक लाइन हमको दिख रहा है 5 mm, उसके बाद जो एक लाइन है वो नहीं दिख रहा है। तो हमको यहाँ पर सिर्फ लेना है दोस्तों 1.0 mm लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1.0 mm लिखेंगे हम यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद हम जो है सर्कुलर स्केल उसको रीडिंग करेंगे, तो सर्कुलर स्केल में देखेंगे जो 25 mm है दोस्तों, 0.25 mm बिल्कुल बेस लाइन के साथ परफेक्टली मैच हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका लिस्ट काउंट 0.25 mm। चलिए इसको दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 55 और 202 और 1, उसके बाद ये हो गया टोटल हमारा दोस्तों 1.25 mm। तो चलिए इसको हम डायग्राम में यहाँ पे खोजते हैं कहाँ पे इसका नंबर है 1.25 mm, यहाँ पे लिखा हुआ है mm में। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं,
तो यहाँ पे देखिए 1.22 यहाँ पे लिखा है, यार यहाँ पे है 1.25, ठीक है। तो ये जो 5 है तो ये, और यहाँ पे 2 है, उसके बाद अगर चले जाते हैं डायरेक्ट तो ये हो जाती है 1 mm डायरेक्टली। तो हमको दोस्तों यही जो लेना है 1.22 mm, क्योंकि ये थोड़ा सा नज़दीक है इसका, इसको ही लेना होगा। तो चलिए इस चार्ट में हम यहाँ पे दिखा देते हैं कितने नंबर का वायर है। देखिए 18 नंबर का दोस्तों ये हमारा वायर है, इसका गेज नंबर है 18, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18 नंबर इसका SWG। तो दोस्तों ऐसे ही आप इस वायर का, दोस्तों सभी वायर का जो आसानी से नंबर निकाल सकते हो, देखिए एल्यूमिनियम हो कॉपर हो सभी का वो SWG इस माइक्रोमीटर का दोस्तों निकल आती है। तो आज आप दोस्तों आपको ये सब कुछ मैंने समझने की कोशिश किया होगा, मैंने बहुत कोशिश की आपको ये समझने के लिए। कोई भी अगर आपको सवाल वगैरह हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको वो समझने की कोशिश करूँगा। देखिए ये यूज़ करना बहुत आसान है, जिसको एक बार ये समझ में आ जाती है। अगर आप चाहो तो ये चार्ट का देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाकर भी इसको लोड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।